बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। इस वीडियो में बात करते हैं कि स्टिक एसिड का एक सिम्टम्स है जिसमें कि जब उसको फीवर रहता है तब प्यास नहीं लगती, और जब फीवर ठीक हो जाता है तो भयानक प्यास लगती है, और इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि उसकी प्यास बुझ ही नहीं पाती है और ढेर सारा यूरिन पास होता है। इसी को समझने के लिए कोशिश करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखा गया था क्वेश्चन। तो अब देखिए, नो थ्रस्ट इन फीवर, जब बुखार है तो फीवर नहीं है, बुखार ठीक हो जाने के बाद अनकंट्रोलेबल थ्रस्ट आफ्टर, उसके बाद भयानक प्यास है। यूं समझिए कि जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है इस तरह से ऐसे, और इसको क्या हो गया फीवर। अगर बुखार हो गया तो इसका टेम्परेचर 100 फारेनहाइट के आसपास होगा, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 100 फारेनहाइट है, टेम्परेचर क्या है उसका, ज्यादा है, लेकिन प्यास लगी नहीं रही है। देखिए क्लियर कट लिखा है, नो थ्रस्ट इन फीवर, फीवर में थ्रस्ट नहीं है, लेकिन अनक्वेंचेबल थ्रस्ट है उसके बाद। तो उसको समझने के लिए थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री समझना पड़ेगा एस्टिक एसिड का। तो देखिए, जो एस्टिक एसिड है वो विनेगर यानी जो सिरका है उसमें 8 से 10% पाया जाता है। यूं समझ लीजिए कि एस्टिक एसिड सिरके से निकाला गया है, या यूं समझ लीजिए कि एस्टिक एसिड से ही सिरका बनता है, चाहे जो भी आप समझ लीजिए। मोटी सी बात कि एस्टिक एसिड एक फार्मूला केमिस्ट्री का है और उसका कुछ इस तरह से CH3COOH, यही है एस्टिक एसिड इस तरह से। और यहां पे देखिए वाटर है, जब प्यास लगती है तो हम लोग इसी पानी को पीते हैं, यही इसका फार्मूला है HOH यानी H2O। बायोकेमिस्ट्री बोलती है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उधर ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज, ठीक वही बात यहां पे भी होगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा है पॉजिटिव चार्ज। अब इमेजिन करिए कि यहां पे वाटर है, ठीक है, और ये क्या है एस्टिक एसिड है, ठीक। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पे जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच ऐसे ऐसे बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो एस्टिक एसिड है वाटर को बॉन्ड किए रखता है, बांधे रखता है, तो वाटर फ्री नहीं होता बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर फ्री नहीं होता, जितना भी एस्टिक एसिड है सब वाटर को बॉन्ड बांधे रखता है। तो जीवन की प्रक्रिया चलने के लिए, बायोकेमिकल प्रोसेस को चलने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मल अवस्था में क्या है कि टेम्परेचर कम है तो जितना भी एस्टिक एसिड है सभी वाटर को क्या कहिए अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, यानी वाटर को फ्री ही नहीं छोड़ता। तो इस वजह से जब फीवर ठीक हो जाता है तो प्यास नहीं लगती है, लेकिन वही जब फीवर आ जाता है तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये जो बॉन्डिंग है ना टूट जाती है, ये जो बॉन्डिंग है क्या हो जाती है, टूट जाती है। यानी टेम्परेचर को बढ़ते ही एस्टिक एसिड और वाटर के बीच में जो फोर्स था, जो बॉन्डिंग था, वो खत्म हो गया। और इस फोर्स को खत्म कब हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो फोर्स खत्म हुआ, ये जब फोर्स खत्म हुआ तो वाटर क्या हो गया, फ्री हो गया। अब यही वाटर यूज होगा बायोकेमिकल प्रोसेस में, यही वाटर यूज होगा बायोकेमिकल प्रोसेस में। जब यह वाटर यूज होगा तो बाहर से वाटर की जरूरत नहीं है, मींस प्यास नहीं लगेगी। तो इस तरह से एस्टिक एसिड एक पेक्यूलियर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है कि जब फीवर है तब प्यास नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ करके एस्टिक एसिड ने और इसके बीच का जो पूरा बॉन्ड था वो टूट गया, तो ये फ्री हो गया, फ्री हो गया, बायोकेमिकल प्रोसेस में यूज होगा। और वही जब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो बॉन्ड बना लेता है यहां से, और जब बॉन्ड बना लेता है तो बायोकेमिकल प्रोसेस को चलने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। इस तरह से जब फीवर होता है तो प्यास नहीं रहती, जब फीवर नहीं रहता है तो प्यास ज्यादा लगती है। तो इस तरह से आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी, अगर आ गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि बात समझ में आ गई। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।